नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हमारी जो द्वितीय इकाई है, हमारी हिंदी की पाठ्यचर्या एवं पाठ्यपुस्तक। और इसी के साथ में आज का जो हमारा प्रकरण है, वो प्रकरण है हमारा पाठ्यचर्या का महत्व, पाठ्यचर्या का महत्व। अब पाठ्यचर्या के महत्व के अंतर्गत हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि पाठ्यचर्या जो होती है किसी भी विषय की पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो पाठ्यचर्या जो हमारे सामने होती है, पाठ्यचर्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और साथियों, पाठ्यचर्या शिक्षा के अंतर्गत तीन अंग होते हैं, तीन महत्वपूर्ण अंग होते हैं। और तीनों महत्वपूर्ण अंगों में प्रमुख तीन महत्वपूर्ण अंग हैं शिक्षा की और पाठ्यचर्या। तीन महत्वपूर्ण अंग। शिक्षार्थी और जो तीसरा है वो है पाठ्यचर्या। ये तीनों है, ये शिक्षा जगत के महत्वपूर्ण अंग है। और उन तीनों महत्वपूर्ण अंगों में सबसे प्रमुख अंग है वो है हमारी पाठ्यचर्या। और साथियों, पाठ्यचर्या वो अंग है या वो महत्वपूर्ण संसाधन है या साधन है जो इन दोनों को जोड़ती है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। कौन जोड़ रही है? पाठ्यचर्या। जब पाठ्यचर्या होगी तभी ये दो महत्वपूर्ण अंगों को जोड़ने का कार्य करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पाठ्यचर्या के माध्यम से ही शिक्षक और शिक्षार्थी जो शिक्षण के बारे में जो लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, शिक्षक पाठ्यक्रम से पूर्व शिक्षण लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। और उन लक्ष्यों के निर्धारण के प्रतिफल के रूप में क्या होता है कि एक पाठ्यचर्या बहुत अति आवश्यक है। और पाठ्यचर्या के माध्यम से ही वो पाठ्यक्रम में समस्त पाठ्य सामग्री को, विषय वस्तु को उसका अनुसरण करते हुए अपने शिक्षण लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। तो साथियों, हम इसी के संदर्भ में समझने का प्रयास करेंगे कि पाठ्यचर्या का महत्व हम किन रूपों में समझ सकते हैं। तो पाठ्यचर्या के मैं इतना सूचित करूंगा कि पाठ्यचर्या के महत्वपूर्ण पाठ्यचर्या के महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु। अब पाठ्यचर्या के महत्वपूर्ण बिंदु, उसके अंतर्गत सबसे पहला है पाठ्यचर्या क्या होती है? बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। नंबर एक, बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक। अब साथियों, बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक है। अब ये बालक के सर्वांगीण विकास में किस प्रकार सहायक है तो समझने का प्रयास करेंगे हम लोग कि बालक के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत
शिक्षा के माध्यम से ही बालक शिक्षा के माध्यम से ही बालक क्या करेगा, अपने सामाजिक, अपने नैतिक, अपने धार्मिक या आध्यात्मिक कह सकते हैं, साथ में अपने एक बौद्धिक विकास को भी धारण करेगा। और ये सारे विकास कैसे होंगे, शिक्षा के माध्यम से। बालक जब सीखेगा, जब लर्निंग करेगा, अधिगम करेगा, तो बालक का विकास संभव है। और व्यक्ति का विकास, मनुष्य का विकास शिक्षा से ही संभव है। इसलिए बालक के सर्वांगीण मतलब सर्वांगीण विकास प्रक्रिया में ये अति आवश्यक है, बहुत ही सहायक है। अतः हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पाठ्यचर्या के अंतर्गत जितनी प्रभावी होगी, पाठ्यचर्या जितनी प्रभावी होगी, उतना ही हमारा बालक का अधिगम भी और साथ में हमारा शिक्षण प्रक्रिया भी प्रभावी होगी। इसलिए पाठ्यचर्या में एक पाठ्यचर्या एक बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक है। और बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक इसलिए है कि इसके माध्यम से बालक के सभी मतलब नैतिक, शारीरिक और सभी विकास का विकास होता है। अब इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने है, वो अगला महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से होगा कि सभ्यता और लिख देता हूं और संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति के विकास में सहायक। सभ्यता और संस्कृति के विकास में इसलिए सहायक है कि शिक्षा के माध्यम से ही जो बालक आगे चलकर शिक्षा के ही माध्यम से बालक आगे चलकर क्या करेगा कि अपने सभ्यता और संस्कृति को, सभ्यता और संस्कृति की जो अस्तित्व है उसको बनाए रखेगा। जब तक वो अपने स्वयं के आस पड़ोस के परिवेश को समझेगा नहीं, उसको जानेगा नहीं, तो समझिए कि वो अपनी सभ्यता और संस्कृति के से लगाव कैसे होगा। जब बालक के नैतिक, सामाजिक, शारीरिक, सांस्कृतिक विकास नहीं होगा, तो सांस्कृतिक विकास होगा वो पाठ्यचर्या के माध्यम से होगा। जब सांस्कृतिक विकास होगा तो उसकी सभ्यता भी विकसित होगी और अपनी प्राचीन सभ्यता के प्रति उसका जो रुझान है वो बढ़ता जाएगा। और इस प्रकार से क्या होगा कि वो अपनी सभ्यता और संस्कृति के अस्तित्व को बनाए रखने में हमेशा अपना योगदान देगा। तो साथियों, इस तरह से पाठ्यचर्या के बिंदुओं में हमने देखा कि पाठ्यचर्या की जो कितनी महत्वपूर्ण है, पाठ्यचर्या अति महत्वपूर्ण है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक अच्छी पाठ्यचर्या, एक अच्छी पाठ्यचर्या बालक के भावी जीवन को उज्ज्वल बनाने में अति आवश्यक है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। इसके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।